अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, साइंस की बुक है 4 क्लास की, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 है, इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिकली हम देखते हैं, जैसे कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्लॉक्स की, ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, उस तरह हमारे जिस्म में भी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, उनको पढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। डियर चिल्ड्रन, यू हैव लर्न डैट ह्यूमन बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। सम ऑफ देम आर आउटर पार्ट्स विच वी कैन सी, लाइक हेड, माउथ, नेक, आर्म, फिंगर एक्सेट्रा। सम बॉडी पार्ट्स आर इनसाइड our body and we cannot see them, like heart, lungs, brain, etc. In this lesson you will learn some more interesting facts about the human body. वो कह रहे हैं कि हमारे जिस्म में कुछ मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं बाहर की तरफ जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हेड हो गया, ठीक है, सर हो गया, मुँह, गर्दन, ठीक है, बाजू, फिंगर्स वगैरह, ठीक है। कुछ होते हैं इनर, ठीक है, इनसाइड होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते, जैसे हो गया हार्ट, दिल हो गया, फेफड़े हो गए, ठीक है, दिमाग हो गया। तो इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिया गया कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, तमाम जानदार चीज़ें सेल से मिलकर बनी हैं। सेल आर स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, क्या है, छोटा यूनिट है लिविंग थिंग्स का, ठीक है, और उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। उस यूनिट को जो लिविंग थिंग्स से मिलके बनाया, उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। तो सेल, लाइक ऑल लिविंग थिंग्स आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, तमाम जानदार चीज़ों की तरह हमारा जिस्म भी जो है वो क्या है, सेल से मिलकर बना है। दीज सेल आर सो स्मॉल डैट वी कैन नॉट सी विद नेक्ट आई, ये सेल इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें आम आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की मदद से इनको देखा जा सकता है, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी देयर आर मैनी टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, इंसानी जिस्म में बहुत किस्म के सेल पाए जाते हैं। ईच सेल हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म, और हर सेल का कोई ना कोई खास काम होता है, ठीक है। वी हैव ब्लड सेल्स, नर्व सेल, बोन सेल, ठीक है, तो ये सारे सेल्स हैं, ठीक है, हमारे जिस्म में। टिशू, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मेक टिशू, ठीक है, मुख्तलिफ ग्रुप में, ठीक है, एक ग्रो होता है, ठीक है, सेल्स का, ठीक है, वो क्या मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। दिस ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, तो ये जो ग्रुप है, ग्रो है सेल का, क्या करता है, वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करता है और एक खास काम को सर अंजाम देता है, ठीक है। एग्जांपल आर ब्लड, बोन्स, मसल्स, ठीक है, एक्सेट्रा। अ ह्यूमन हैज़ 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू, इंसान में क्या है, खास 4 किस्म के टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं ऑर्गन, व्हेन अ ग्रुप ऑफ टिश्यू वर्क टुगेदर, जब टिश्यू का एक ग्रुप, एक ग्रो इकट्ठा काम करता है और एक खास काम को सर अंजाम देता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा दिल धड़कता है तो हम जिंदा हैं, ठीक है, हमारा दिमाग, हमारी स्किन, एक्सेट्रा, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम में वो क्या कह रहे हैं कि व्हेन टू और मोर ऑर्गन, जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन वर्क टुगेदर, ठीक है, काम करते हैं इकट्ठे एक खास काम को सर अंजाम देने के लिए, तो उसको ऑर्गन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, ढांचा, ठीक है, मेड ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगमेंट्स, दे ऑल वर्क टुगेदर, ये सारे हिस्से जो हैं वो क्या करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं सपोर्ट द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जब सिमिलर सेल, जब बहुत सारे ग्रुप सेल का इकट्ठे काम करेगा तो टिश्यू बनेंगे, जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे काम करेंगे तो ऑर्गन बनेंगे, जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन काम करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। डियर चिल्ड्रन, यू हैव एवर थॉट डैट व्हाट यू वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट हैव, वो कह रहे हैं आप सोच सकते हैं कि अगर आपके जिस्म में हड्डियाँ ना हों तो क्या होगा, हाउ वुड यू स्टैंड और सिट, आप कैसे बैठेंगे, कैसे खड़े होंगे, हाउ वुड यू वॉक, आप कैसे चलेंगे और कैसे आप लोग गेम खेल सकेंगे, ठीक है। यू मेक ऑल योर मूवमेंट बिकॉज ऑफ योर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, इस ढांचे की वजह से, इस निज़ाम की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी हरकत कर सकते हैं। अ ह्यूमन स्केलेटल इज़ मेड अप ऑफ बोन, ये जो ढांचा है ये किससे बना है, हड्डियों से मिलकर बना है। वी हैव 206 बोन ऑल टुगेदर, तो हमारे जिस्म में टोटल कितनी हड्डियाँ हैं, 206 हैं। दस द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर आवर बॉडी, ठीक है, तो इसकी वजह से हम बहुत सारे काम सर अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको
करते हैं, पढ़ते हैं, लुक एट द पिक्चर ऑफ स्केलेटॉन, ठीक है, पिक्चर को वो कह रहे हैं देखें, यू हैव सी ऑल द बोन्स आर कनेक्टेड टू जॉइंट्स, वो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी हड्डियाँ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जॉइंट्स जोड़ हैं उनके, विद द हेल्प ऑफ बैंड ऑफ टॉफ टिश्यू कार लिगमेंट, ठीक है, तो टिश्यू को क्या बोलेंगे, लिगमेंट बोलेंगे, दीज लिगमेंट कीप द बोन्स ऑन देयर प्लेस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, हड्डियाँ अपनी जगह पे हैं, जॉइंट्स हेल्प द बोन्स टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, जॉइंट्स क्या करते हैं, जोड़ मदद करते हैं हड्डियों की अगली पिछली सिमत में, ठीक है, हरकत करने के लिए, मूव करने के लिए डिफरेंट डायरेक्शन में, दीज जॉइंट मेक द स्केलेटल फ्लेक्सिबल एंड मूवमेंट ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल सम जॉइंट्स अलाउ योर बोन्स टू मूव, ठीक है, कुछ जोड़ ऐसे होते हैं जो हमारी हड्डियों को एक ही सिमत में हरकत करते हैं, ठीक है, जिसकी उनको क्या कहते हैं, इनको हिंड जॉइंट्स कहते हैं, और कुछ जोड़ ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा में हरकत करते हैं और उनको बोलते हैं बाल या सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है, फर्मर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन स्केलेटन, तो फर्मर क्या है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इस हड्डी को फर्मर बोलेंगे, ठीक है, इस बोन को।